दिल्ली में इस समय G20 समिट जारी है। दुनिया भर के दिग्गज नेता देश की राजधानी में जुटे हैं। बीते शनिवार राष्ट्रपति की ओर से सभी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। डिनर के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। नीतीश कुमार और पीएम मोदी इस दौरान एक साथ नजर आए, इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बिहार पहुंचने से पहले ही विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है। अब ऐसा इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर जाए ये कोई नहीं जानता। जिस विपक्षी एकता को लेकर इतने समय से नीतीश कुमार देश के तमाम नेताओं से मिल रहे थे और सभी से एनडीए के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की बात कह रहे थे, विपक्ष एकजुट हुआ भी और विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा भी गया, लेकिन जब से विपक्षी पार्टियां एक साथ आई है नीतीश कुमार उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया वाले भी इस मुलाकात के बाद टेंशन में है। दरअसल G20 डिनर के समय की कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड की है। इन तस्वीरों में पीएम मोदी अलग अलग नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, जिनमें जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीस, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो भी नजर आ रहे हैं। इन सबके अलावा एक तस्वीर ऐसी भी प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की जिस पर सभी की निगाहें टिक गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसमें पीएम मोदी नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन को जो बाइडन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव से पहले जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं और एनडीए नेताओं में तकरार देखने को मिल रही है, इस बीच विपक्षी नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी एक तस्वीर में नजर आए, जिन्हें प्रधानमंत्री ने गले लगाया हुआ है। सुक्खू डिनर में शामिल होने वाले कांग्रेस शासित राज्यों के अकेले मुख्यमंत्री है। वहीं G20 समिट के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने G20 नेताओं की आगवानी की। पीएम मोदी ने अंगरखा पहनाकर उनका स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस, IMF की प्रमुख क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग सबसे पहले राजघाट पहुंचे। इसके अलावा जो बाइडन और ऋषि सुनक भी प्रधानमंत्री के साथ नजर आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।